गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आज का भी क्लास जो है वो टेंथ क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के बारे में होगा। मैं बता दूं आपको कि क्लास टेंथ की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, और ये काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं बता दूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज जो है ना, इनफैक्ट पूरे मैथमेटिक्स में है यार, हर जगह पर। जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ते रहेंगे तब तक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का आइडेंटिटी ना आता ही रहेगा आपके पास, ठीक है। तो आज की जो क्लास है हम लोग इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अच्छा हाँ, इसके पहले का जितने भी वीडियो लेक्चर है सारे डाले जा चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो है आज हम लोग का एक तरीके से है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। सर इसको मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आपको नाम क्यों दिया गया आपके पास? तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी इसलिए है क्योंकि आपको दिया रहेगा समथिंग, कुछ प्रूफ करना है इतना बराबर इतना। जैसे एक फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिकल टाइप का ये हो गया आपके पास कि अगर एक्स का कोई अगर पर्टिकुलर वैल्यू रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट है और राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो दोनों सेम आ जाएगा आपके पास, इवन कोई पर्टिकुलर नहीं, इनफैक्ट आपके पास एवरी आपके पास वैल्यू ऑफ समथिंग के लिए। जैसे मैं आपसे बोल दिया मेरे पास क्या है कि ए प्लस बी का स्क्वायर, जैसे देख लीजिएगा मैंने बोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। बोलूँ सर बताना क्या चाह रहा हूँ? मैं बोलूँगा मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि आइडेंटिटी आप ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, अल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, ये सब नाम कहाँ से आया है। तो अगर कोई भी चीज़, जैसे ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है ना, तो आपको मैं बता दूं कि दुनिया का कोई भी ए और कोई भी बी, कोई भी ई का वैल्यू नहीं लेते हैं और कोई भी बी का वैल्यू नहीं लेते हैं, तो जो रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड से आएगा वही रिजल्ट राइट हैंड साइड से आएगा, क्योंकि ये ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है उसमें भी आपके पास में समथिंग कुछ प्रूफ करना रहेगा। जैसे ऐसा रहेगा आपके पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर इक्वल्स टू वन, ये फॉर्मूला है। तो इट इज ट्रू फॉर नॉट सम वैल्यूज ऑफ एक्स, इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है, सम वैल्यू ऑफ थीटा के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। और आपके पास जैसे मैं आपसे बोल दिया कि आपके पास एक्स स्क्वायर है माइनस फाइव एक्स है प्लस सिक्स है बराबर जीरो। अब ये इक्वेशन है, मैं बता दूँ इसका आइडेंटिटी नाम क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि दुनिया के हर एक एक्स का कोई वैल्यू एक्स का पुट करेंगे तो जीरो नहीं आएगा, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पुट करना पड़ेगा। एक्स बराबर टू पुट कर सकते हैं, एक्स बराबर थ्री पुट कर सकते हैं तभी जीरो आएगा, लेकिन दुनिया के हर एक वैल्यू पुट कर देंगे एक्स का, एक्स के लिए मैं 10 पुट कर दूँ तो क्या जीरो आ जाएगा? क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ही होता है कि अगर मैं समथिंग, मतलब कोई समथिंग बराबर समथिंग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इट इज ट्रू फॉर, अगर एक्स वेरिएबल में है तो इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, अगर ये थीटा में है तो इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। आई होप आप समझ गए होंगे आइडेंटिटी नाम के लिए। मतलब सर आपका कहना ये है कि सर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में हम लोग सिंपल से यहाँ प्रूफ पढ़ेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब बिल्कुल सही बात समझ रहे हैं आप। आपके पास कुछ क्वेश्चंस रहेंगे कि एलएचएस में ये रहेगा आरएचएस में ये रहेगा, आपसे बोलेगा प्रूफ दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। अगर आपको किसी कारण से आप क्वेश्चन को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि आपके दिमाग में चल रहा हो कि अरे यार क्वेश्चन गलत तो नहीं है। तो मैं बता दूं यार कि क्वेश्चन गलत होने ना होना ये भी चेक कर सकते हैं आप। कैसे हैं? मैंने क्या बोला, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है एलएचएस बराबर आरएचएस, इसका मतलब इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, अगर थीटा में है तो थीटा का कोई भी एक वैल्यू जो आपको पता है, मैंने वीडियो में बता रखा है इसके पहले, साइन 30 डिग्री 45 डिग्री 0 डिग्री आपके पास 60 डिग्री 90 डिग्री, तो जो भी रिजल्ट आपको इजीली दिखाई दे, ठीक है ना, उस थीटा का वो वैल्यू रख दीजिए, यानी 0 30 45 60 90 रख दीजिए अपना जो टेंथ क्लास में पढ़े हैं, और रख करके देख लीजिए कि जो रिजल्ट एलएचएस का आ रहा है क्या वही रिजल्ट आरएचएस का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि दिया हुआ क्वेश्चन गारंटी के साथ सही है, और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब दिया हुआ क्वेश्चन गारंटी के साथ गलत है, ठीक है। चलिए आज हम लोग बात करेंगे सर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में बहुत ज़्यादा कुछ है। मैं बोला ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बट हाँ फॉर्मूले आपके पास देखने के लिए मिलेगा। बट फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा, आप समझिए कैसे लिखा जा रहा है। चलिए फटाफट फॉर्मूला पर ही चलते हैं। पहले फॉर्मूला कहाँ से आया हुआ है मैं बता दूंगा आपको, चिंता मत करिए। सबसे पहला फॉर्मूला हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा दिस इज इक्वल्स टू वन। कैसे? आपको पता है कि साइन का रिजल्ट कितना होता है, पी बाई एच।
कॉसेक का रिजल्ट कितना होता है भाई साहब, तो एच पाई कितना होता है पी, मुझे बताओ। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, कितना आ गया वन। प्रोडक्ट था ना यहाँ पे, क्या था, मल्टीप्लाई था। तो साइन थीटा पी बाई एच हो गया, कॉसेक थीटा एच बाई पी हो गया, पी पी कट गया, एच एच कट गया, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, वन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और यही सेम वो चीज़ है कि साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। आपको याद कीजिए कि साइन थर्ट जीरो डिग्री का रिजल्ट जीरो, साइन थर्टी डिग्री का रिजल्ट वन बाई टू, साइन फोर्टी फाइव डिग्री का रिजल्ट वन बाई रूट टू, साइन सिक्सटी डिग्री का रिजल्ट रूट थ्री बाई टू, और साइन नाइन्टी डिग्री का रिजल्ट वन। हमें कॉसेक का रिजल्ट पूछूंगा तो साइन को पलट दे देते हैं, आप क्या करते थे रेसिप्रोकल कर देते थे, तो आपको कॉसेक का रिजल्ट बन जाता था वो। ठीक है, मैंने बताया था वहाँ पर। चलिए ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ एक फॉर्मूला हो गया। अब इसी से और भी जो फॉर्मूले हैं मैं सबको लिख दे रहा हूँ कि साइन थीटा बराबर ये कॉसेक मल्टीप्लाई में कहाँ चलाएगा यार, सर ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप में सर ये अगर मैं कॉसेक की बात करूँ, कॉसेक थीटा तो वन बाई साइन क्या है कॉसेक के साथ मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में बस। तो यही देखिए फॉर्मूला से ही फॉर्मूला बनता है। आपको याद कितने फॉर्मूले रखने हैं, बस एक याद कितने रखने हैं, बस एक ही है बस, इसके बाद आपको याद नहीं रखना है। बाकी तो आपको पता है कि साइन इंटू कॉसेक वन होता है, तो यार कॉसेक का रिजल्ट वन बटा साइन, और साइन का रिजल्ट वन बटा कॉसेक। नेक्स्ट सेकंड की बात करेंगे हम लोग कॉस का, कितना का देखें तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वन। सिमिलरली प्रूफ वाइज सेइंग सेक थीटा दैट इज इक्वल्स टू एच बाई बी, और कॉस थीटा बी बाई एच, बी बी से कट जाएगा और एच एच से कट जाएगा, कितना आ जाएगा वन। दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला, आपको मैं बता दूँ यही आपको याद रखना है मेनली, और बाकी इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूले ऐसे बनेंगे, यानी कितना कि सर सेक थीटा दैट इज इक्वल्स टू वन बाई कॉस थीटा, और उसके बाद कॉस थीटा के बारे में बता दूँ। चलिए अगला स्टेप कि सर कॉस थीटा का रिजल्ट कितना हो जाएगा हमारे पास यार, तो कॉस थीटा इधर लिख दिया गया वन बाई कितना आ जाएगा सेक थीटा, ये आ गया है ना, मजा आ गया। कुछ उसके बाद थर्ड नंबर के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, थर्ड फॉर्मूला में क्या है, लाइट चली गई यार दिख रहा है क्या, सही है। चलिए थर्ड की बात करेंगे, तो थर्ड में क्या है पास के टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है वन होता है, ये भी एक मेन फॉर्मूला में आ गया। ठीक है ना, वैसे है तो एक दो तीन फॉर्मूला, बस तीनों से दो दो निकला हुआ है एक्स्ट्रा। तो अब यहाँ से कितना हो गया ये कि सर टेन थीटा बराबर इसको नीचे लिखा लेंगे तो वन बाई कॉट थीटा, याद रखेंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबका यूज करना है। जैसे मैंने बोला कोई क्वेश्चन है मेरे पास, और क्वेश्चन को टेन में क्वेश्चन है LHS, RHS में मेरे पास कॉट है और कुछ भी नहीं है, मतलब सारे के सारे लेफ्ट साइड में टेन है, राइट साइड में जो मुझे प्रूफ करना है वो सारे के सारे कॉट है, तो क्या करेंगे सर सारे टेन को वन बाई कॉट में कन्वर्ट कर देंगे, अपने आप सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा आपका। नेक्स्ट कॉट थीटा के बारे में बात करें, किसके बारे में कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का जो रिजल्ट है दिस इज इक्वल्स टू व्हाट वन बाई कितना हो जाएगा टेन थीटा, ये हो गया। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है थ्री फॉर्मूले वो हैं, मतलब आपके पास जो स्टार्टिंग का फॉर्मूला है हमारे पास आइडेंटिटी में। नेक्स्ट अगले फॉर्मूले पर हम लोग चलते हैं ना, सारे फॉर्मूले के बारे में बताएंगे कहाँ से आ रहा है। अच्छा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कहाँ से बना रखा है, टेन का रिजल्ट पी बाई बी और कॉट का रिजल्ट बी बाई पी, पी से पी कट गया, बी से बी कट गया, दैट इज इक्वल्स टू वन। सर नेक्स्ट आगे बात करो, मेरा देख लो अच्छे से फॉर्मूले इसी में चलते रहेंगे सर, समझ गया ना, काफी मजेदार है आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे सर फॉर्मूला, मेरा देखो नेक्स्ट फॉर्मूला इसी में देखिएगा ना, इसी में आपके पास और भी फॉर्मूले कौन से हैं कि मतलब फोर्थ नंबर फॉर्मूले पे चलते हैं। आपसे बोला गया कि साइन स्क्वायर थीटा इन प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल्स टू वन, दिस इज इक्वल्स टू वन। कहाँ से आता है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भारी सब आते हैं कि आप मुझे खुद सोचो कि साइन थीटा के रिजल्ट कितना होता था आपके पास। LHS की बात करते हैं, LHS सर RHS मुझे वन प्रूफ करना है, मतलब कर दो। साइन थीटा आपको लिखा हुआ क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू वन, तो LHS में तो ये है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है भाई साहब पी बाई एच होता है और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। कॉस थीटा का रिजल्ट होता है बी बाई एच और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। नेक्स्ट सर आगे क्या करोगे ना, देख लो इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं कितना बी स्क्वायर बटा कितना एच स्क्वायर लिख सकते हैं।
अब मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप इसको याद करो कि मैंने बताया था कि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल पे पढ़ते हैं, तो यहाँ से थीटा के सामने ये तो परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस, और ये क्या हो गया पास हाइपोटेन्यूस। आपको पता है ये कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है एच स्क्वायर, तो जो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो अदर टू साइड का स्क्वायर के सम के बराबर होता है यार। तो सर यहाँ से एच स्क्वायर के एलसीएम तो एच स्क्वायर हो गया, ऊपर में कितना हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर देखेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिजल्ट एच स्क्वायर होता है, और ये भी कितना हो गया एच स्क्वायर, तो ये कट गया कितना हो गया 1, ठीक है ना। आर एच एस आगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो रिजल्ट है वो 1 होता है। बट इससे भी बहुत सारे फॉर्मूले निकले हुए हैं, कैसे मैं आपसे बोलूँगा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बता दो कॉस स्क्वायर में, तो कॉस स्क्वायर इधर प्लस में है उधर चला गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि साइन थीटा का बता दो फॉर्मूला कॉस में, तो साइन स्क्वायर था और साइन थीटा को पूछेंगे तो ये रूट लग जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बता दो साइन स्क्वायर में, तो कॉस स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर प्लस में उधर गया तो माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि कॉस थीटा का फॉर्मूला बता दो तो रूट अंडर कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कहने के लिए एक फॉर्मूला है, लेकिन इससे कितने फॉर्मूले बने हुए हैं आपको याद होगा 5 फॉर्मूले यार बने हुए हैं टोटल उसी से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ये सारे फॉर्मूले को आप एज यूजल मतलब हमेशा यार याद रखते हैं, याद जितना अच्छे से रखोगे क्वेश्चन उतना ही अच्छे से बनेगा। क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करवाने लगूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। इसलिए फॉर्मूला मस्ट आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर की बात करते हैं ना। 5 नंबर में तो 5 नंबर में पता है मुझे कि सर टैन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी सीक स्क्वायर थीटा माइनस कितना पास टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, याद रखिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का रिजल्ट 1 होता है। अब इसका भी प्रूफ देखने के लिए अब मुझे लगता नहीं एक बताने की जरूरत पड़ेगा। सेक का रिजल्ट वी नो दैट कितना पास एच बाई बी, और टेन का रिजल्ट पी बाई बी, तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर करेंगे, तो नीचे बी स्क्वायर कैल्शियम बी स्क्वायर, ऊपर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल से क्या होता है बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर कट जाएगा आपका। यार ये फॉर्मूला आ गया ना, इसको याद रखेंगे, काफ़ी तगड़ा फॉर्मूला है, याद भी रखेंगे। अगर आप ये यहाँ से मैं बोल दूँ कि सेक स्क्वायर थीटा का रिजल्ट चाहिए, याद रखेगा सेक स्क्वायर थीटा का रिजल्ट चाहिए टेन में, तो ये उधर चला गया तो 1 प्लस कितना हो गया पास टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है ना। अब अगर मैं सिंपल सेक थीटा पूछूँ, सिंपल सेक थीटा तो कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट अब किसकी बात करें हम लोग टेन का। अच्छा टेन स्क्वायर में थीटा का फॉर्मूला पूछो किसका, टेन स्क्वायर का, किसमें सेक स्क्वायर में, तो टेन स्क्वायर है इधर तो माइनस में है ना, तो टेन स्क्वायर को उधर ले चले जाइए और 1 को इधर ले जाइए, टेन स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 है इधर आ गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। और फाइनली अगर मैं आपसे बोलूं कि टेन थीटा बता दो टेन थीटा सेक के फॉर्म में, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है भाई साहब, याद रखना है यार, क्या करना है याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और फॉर्मूले हैं उनको फटाफट करते हैं, आज का जो क्लास है ना वो फॉर्मूला पर ही है, तो इसको पहले आप ये भी समझिए कैसे कैसे लिखा जा रहा है और याद करिए आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तो फिर हम लोग करेंगे, बट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए यार, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं है तो समझ जाइए कि सब बेकार है, कुछ नहीं होने वाला है और आप कुछ क्वेश्चन बना भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट आपके पास 5 नंबर के बाद मैं बोल दूँ 6 नंबर के बारे में, किसके बारे में 6 नंबर, 6 नंबर में है क्या सर आपके पास देर है 6 नंबर में क्या, कॉस एक लिखे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी रिजल्ट कितना होता है 1, ठीक है। प्रूफ के लिए फिर से आप वैसे ही करिएगा, ठीक है। मैं बता दूँ आपके पास कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को फॉर्मूला चाहिए अगर कॉट स्क्वायर में, तो कॉट स्क्वायर इधर माइनस में है उधर गया तो प्लस में, तो 1 प्लस कितना कॉट स्क्वायर थीटा,
नेक्स्ट आ जाए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि कॉसेक थीटा का रिजल्ट चाहिए कॉट स्क्वायर में, तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किस में? रूट में। नेक्स्ट सर आगे, अगर आप सर कॉट स्क्वायर थीटा का रिजल्ट चाहते हैं, किसका? कॉट स्क्वायर थीटा, ये है इस वाले भाई साहब को, ये तो माइनस में है ना, उधर लेके जाइए प्लस में, तो कॉट स्क्वायर थीटा उधर हो गया, वन को इधर लेके आ दिया, तो कितना बन जाएगा पास की कॉसेक स्क्वायर थीटा पहले से था और एक घट गया था, ये बन गया पास। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोल दूँ कि कॉट थीटा का रिजल्ट चाहिए कॉसेक स्क्वायर के फॉर्म में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन और इज इन रूट, रूट में, बस बात खत्म हो गई। सर यही फार्मूला हमारे पास, सिक्स फार्मूले हैं जो मेजर हैं, इसके अलावा भी कुछ फार्मूले हैं जो काफ़ी मेजर हैं। सेवन नंबर में है कि मैं आपसे जानता हूँ कि टेन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, आप इस बात को याद रखें, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। सर ये कहाँ से आता है यार, मैं बोलूँगा चिंता करने की जरूरत नहीं है, देख लो आप कैसे आता है। टेन थीटा का रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, पी बटा बी, मुझे याद है यार टेन थीटा का रिजल्ट पी बाई बी। मैं बोल दूंगा कि क्या मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या मैं दोनों को एच से डिवाइड कर दूं, तो आपको दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं होगा, पलट दोगे दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर दिक्कत नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, अगर लिख सकते हैं क्योंकि फिर से अगर फिर से अगर इसको पलट दोगे दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको फिर से पलट दोगे तो दोबारा वही आ जाएगा पी बाई बी। एक बार अब मुझे बता दो कि पी बाई एच दिस इज वॉट कितना, साइन थीटा, और बी बाई एच कितना होता है, कॉस थीटा, बस हो तो क्या, ठीक है ना। तो टेन थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा, मैं बता दूँ अगर टेन स्क्वायर रहेगा तब पर भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कई बच्चों को लगता है कि सर मेरा तो टेन स्क्वायर दे दिया तो क्या करेंगे, अरे भैया अगर टेन थीटा की जगह टेन स्क्वायर थीटा हो गया तो ऊपर में भी आप स्क्वायर कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट मैं सर सेवन के बाद एट नंबर, मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि सर टेन थीटा का रिजल्ट साइन बटा कॉस है तो कॉट थीटा क्या होगा। मैं आपसे बोलूँगा आपको याद होगा फॉर्मूला नंबर आपके पास थर्ड जिसमें मैंने लिखवाया है कितना पास कि टेन इंटू कॉट कितना होता है वन, टेन इंटू कॉट वन, यानी टेन कॉट का रेसिप्रोकल है, तो टेन अगर साइन बाई कॉस है तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बटा कितना साइन थीटा। अगर आप इसका प्रूफ करना चाहते हैं तो कुछ खास ज़्यादा नहीं है, सिमिलरली आप वैसे ही कर लीजिएगा। तो भाई ये क्या है पास कॉट थीटा हमारे पास है, ये भी एक फार्मूला है, ठीक है, ये भी फार्मूला ही है, जरूरत पड़ने पर कर लेंगे। अगर आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला कोई पूछता है तो इसका मतलब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और बटा कितना हो गया पास साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको सेवन नंबर एट नंबर सब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है। तो ये जो है ये ही आपके पास क्या है फाइनल फॉर्मूले हैं, इसके अलावा हमारे सामने कोई फॉर्मूले नहीं है। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी के क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये कहने के लिए फॉर्मूला है, बट आपको मैं सच बताऊँ तो मुश्किल से आपके पास सेवन फार्मूले, ये भी फार्मूला नहीं है, क्यों, क्योंकि टेन का उल्टा ही तो है आ रहे हैं, ठीक है। तो सेवन फार्मूले हैं और ये सेवन फार्मूले जैसे ये सिक्स नंबर है कहने के लिए इतना है, बट मेन तो फार्मूला एक ही है ना, इसी से ये जनरेट हो रखा है आपके पास, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट फॉर्मूले को आप याद रखें, जितना बेटर तरीके से याद रखेंगे नेक्स्ट क्लास से आपके पास क्वेश्चन बनेगा। मैं बता दूं अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल का सारा थ्योरी खत्म हो चुका है, तो क्वेश्चन का सेशन चलने वाला है धुआंधार बिल्कुल आराम से, गजब का चलेगा आप देख लीजिएगा एकदम, जब तक क्वेश्चन का धुआं धुआं नहीं निकाल देना तब तक चलेगा यार। और जो क्वेश्चन होगा आपके पास बोर्ड बेस्ड भी होगा, आपके पास एनटीसी लेवल बेस्ड होगा, ओलंपियाड लेवल बेस्ड होगा, हर टाइप का क्वेश्चन चलेगा, तो ठीक ठाक टाइम तक क्वेश्चन चलने वाला है, आप लोग वीडियो के साथ प्लीज बने रहिएगा ना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार आप लोग।